हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंट आईएएस कोड्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियर के लिए जो आईएएस कोड इम्पोर्टेंट होते हैं, आज उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। मतलब कि जो जैसे कि आपकी कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वहाँ पर आपको इसका यूज़ होगा, और कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आज की आईएएस कोड जो बताने जा रहा हो वो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। और वाइवा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वाइवा दे रहे हो कॉलेज लेवल पे, तो आपके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो है आईएएस कोड। जो ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, उसके जो तीनों टाइप होते हैं 43, 33, 53 ग्रेड्स, उसके लिए देखते हैं आईएएस कोड में कौन से आईएएस कोड दिए गए, किस आईएएस कोड में उसका स्पेसिफिकेशन दिया है। जो ओपीसी 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट है, उसके लिए IS 269 में उसका स्पेसिफिकेशन दिया है। ओपीसी 43 ग्रेड के लिए IS 8112 में उसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है, और ओपीसी 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए IS 12269 में इसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। और जो स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैप होल्डिंग होता है, स्कैफ होल्डिंग के लिए जो आईएएस कोड ने स्पेसिफिकेशन दिया है, वो किस आईएएस कोड से लिया जाता है, वो है IS 2750 में उसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। अगला जो आईएएस कोड है IS 1904 1996, ये जो आईएएस कोड है ये है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इन साइल, सॉइल में कंस्ट्रक्शन करना है फाउंडेशन का, तो उसके लिए आईएस कोड में आईएस कोड ये दिया गया IS 2 1904 1986 के लिए। और जो सेटल कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन होता है, उसके लिए आईएस में स्पेसिफिकेशन दिया गया है IS 8009 Part 1 1976 में इसके बारे में बताया गया है। किसके लिए? इस कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेटलमेंट, ये कई बार पूछ लेता है एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन ये मेरी। और अगला जो है रेडीमिक्स कॉन्क्रीट के लिए किस आईएस से स्पेसिफिकेशन लिया, मतलब स्पेसिफिकेशन किस में दिया है आईएस कोड में, तो वो है IS 4926 2003 में इसके बारे में बताया गया है रेडीमिक्स कंक्रीट के लिए। अगर आपको पूछा जाए कि रेडीमिक्स कंक्रीट के लिए कौन सा आईएस कोड है भाई, तो आप ये बता सकते हैं IS 4926 2003 ये बताया गया है। अगर आपके जनरल कंस्ट्रक्शन है स्ट्रक्चुलर स्टील का, जनरल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चुलर पर्पस के लिए, उसके लिए आईएस कोड ने डिज़ाइन किया IS 2062 1992, ये आईएस कोड है उसके लिए, मतलब स्ट्रक्चर जनरल पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर स्टील के लिए। और भी है मेरे जो IS 456 है, कई बार हम बहुत बार सुनते हैं IS 456, तो ये जो IS 456 है प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए है। और जो आईएस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत बार पूछा जाता है IS 456 के लिए भाई, तो IS 456 है प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। और जो IS 383 जो है वो फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें आईएस कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के बारे में जो स्पेसिफिकेशन है वो कन्फर्मेशन है, जो कि IS 383 में से लिया कर किया जाता है। और जो IS 269 है स्पेसिफिकेशन फॉर 33 ग्रेड ऑफ ओपीसी, 33 ग्रेड ऑफ ओपीसी के लिए इसमें से स्पेसिफिकेशन है। और जो डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स, मतलब मिक्स कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए रेडीमिक्स, मतलब डिज़ाइन मिक्स के लिए कौन सा है कंक्रीट के, तो वो आईएस कोड है IS 10262, ये आईएस कोड है इस के कंक्रीट मिक्स के लिए, ये है 2009 में से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएस कोड है, ये आपको बहुत बार पूछा जा सकता है। जो IS 516 है ये किसके लिए, IS 516 इज मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ आप चेक करते हैं,
तो उसके लिए जो IS कोड होता है IS 516 होता है। जो IS 800 होता है वो जनरल स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, जनरल स्टील कंस्ट्रक्शन, वो जो मैंने बताया था पहले। तो IS वो किसके लिए था, स्ट्रक्चुलर पर्पस के लिए। और जो डेड लोड होता है, डेड लोड, विंड लोड, ऐसे जो कई सारे लोड्स होते हैं उसके लिए जो IS कोड होता है वो है IS 875। इसके लिए पार्ट वन डेड लोड के लिए पार्ट वन, इसके लिए पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, ऐसे डिज़ाइन किया है। जो IS कोड होता है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन किया जाता है वो है IS 800 1893। ये है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के लिए। जो आज का टॉपिक, और भी IS कोड है, मैंने एज अ स्टडी करके बहुत ही मेहनत करके आपके लिए प्रिपेयर किया है। मतलब कि आपको जो माइल्ड स्टील को, माइल्ड स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील बार, उसको कंफर्म करता है, कंफर्म करते हैं हम IS 432 पार्ट वन से। जो HYSD बार रहता है, HYSD बार, उसके लिए जो IS कोड होता है IS 1786 में से, हमें उसमें से हम लेते हैं IS कोड में कन्फर्मेशन उसका। जो मीडियम टेंजाइल स्ट्रेंथ, टेंजाइल स्टील कन्फर्म करते हैं, जो IS कोड उसके लिए होता है IS 432 पार्ट वन से कन्फर्म करते हैं। जो हॉट रोल माइल स्टील रहता है, हॉट रोल माइल स्टील हम किससे कन्फर्म करते हैं, वो है IS 1139 से, इसे हम कन्फर्म करते हैं। जो कोल्ड वर्क स्टील, HYSD बार ऑफ स्टील कन्फॉर्मिंग टू IS 226 से कन्फर्म करते हैं। ये थे सारे IS कोड जो कि मैंने आपको आज बता दिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन और एज अ गवर्नमेंट के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और वाइवा के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए। तो चले, इस अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप इस फोटोज इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी अबाउट सिविल इंजीनियर पर इसे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।